नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 31 मार्च को करेरा के SDOP GD शर्मा द्वारा सघन बस्तियों में घूम घूम कर अपनी गाड़ी से माइक द्वारा लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर महिलाओं और बच्चों से कहा कि वह अपने घर के पुरुषों को घर में ही रखें, बेवजह बाहर न घूमने दें, क्योंकि संक्रमण के ज़्यादातर मामले पुरुषों में ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुरुष ही ज़्यादातर बाजारों में रहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है SDOP करेरा का। करना हो कि घर के पुरुषों को घर से बाहर अनावश्यक न निकलने दें। मैं जब सड़कों पे गुजरता हूँ, जब रोड पे गुजर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि केवल पुरुष ही लोग घूम रहे हैं और उनके पास घूमने का कोई पर्याप्त कारण भी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे उन पुरुषों पर अफसोस नहीं होता जो घूम रहे हैं, मुझे अफसोस होता है माताओं बहनों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर। ये समझदार क्यों नहीं है कि क्यों उनको बाहर जाने दे रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ फिर से कि घर में कोरोना वायरस के संबंध में जो संदेश दिया, इसमें आपका क्या कहना है? मैंने कोई नई बात नहीं की है। जो शासन की नीतियां हैं, शासन के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको करेरा की तंग गलियों में, तंग बस्तियों में, जहां पर कि जो कि सामान्य आवाजाही से कटा हुआ है, वहां पर जाकर के जो शासन के जो निर्देश हैं, जो हमारी सरकार के निर्देश हैं, उनको माइक से कहा है कि कृपया करके कोरोना वायरस की गंभीरता को समझें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि अपने आप को घर में रखें। घर में रहना ही इसका एकमात्र उपाय है। सिर्फ ये संदेश मेरे द्वारा दिया गया है। इसके लिए मैंने केवल एक चीज़ का इस्तेमाल किया है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं, उनको मैंने इमोशनली कहा है कि आपके जो पुरुष सदस्य हैं, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उन पुरुष सदस्यों को अनावश्यक बाहर न जाने दें, क्योंकि जो शिकायतें हमारे पास आ रही हैं वो पुरुषों की ही आ रही है कि वो बाज़ार में घूमने के लिए आ जाते हैं। हालांकि हमने पूरी तरह से नियंत्रण किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस के नियंत्रण के अलावा आदमी स्वतः ही बाहर ना आए इस खतरे को भांपते हुए। ये सब जताने के लिए, बताने के लिए हमने मोहल्ले मोहल्ले जा कर के अपने माइक से, गाड़ी के माइक से ये प्रसारण किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट।